अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, जिन लोगों का ईमो काम नहीं करता है उन लोगों के लिए आज का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से आप ईमो पे बात कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का ईमो सऊदी अरब में काम नहीं करता है। मैसेज जाता है, वॉइस मैसेज जाता है, लेकिन कॉल नहीं हो पा रहा है। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है, तो मैं सोचा हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाता ताकि आप भी इस तरीके से ईमो पर बात कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का सवाल है कि भाई ईमो क्या सऊदी अरब में बैन हो गया है, ईमो पर बात नहीं हो रहा है दो दिन तीन दिन से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस मोबाइल में कॉल कर रहा हूँ ईमो पे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉल लगाता हूँ, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉल आ चुका है, तो हम यहाँ पे इसे उठाते हैं और बाहर साउंड खोलते हैं। हेलो हेलो, यहाँ पे कोई भी साउंड भी फुल है, कोई भी आवाज़ इधर नहीं आ रहा है या इधर का उधर नहीं जा रहा है, यानी कॉलिंग काम नहीं करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो देखिए कट भी हो गया ऑटोमेटिक, तो इसे भी कट कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा कॉल करके, मैंने एक सेटिंग कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर हम कॉल करते हैं। कॉल करेंगे उसके बाद इधर कॉल आएगा, हम रिसीव करेंगे, उसके बाद बात होगा। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, आवाज़ साउंड बाहर करते हैं, देख सकते हैं दोनों में आवाज आ रहा है। तो जो लोग भी परेशान थे, तो भी मैं आवाज को बंद करता हूँ। तो जो लोग भी परेशान थे, तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप भी अपने घर पे या सऊदी से सऊदी में बात कर सकते हैं ईमो के जरिए। तो ये आसान सा तरीका है। काफी लोग सोच रहे हैं कि भाई बैन हो गया है तो अभी ईमो का कोई सर्विस डाउन है या क्या मसला है, तो ये बहुत आसान सा तरीका है। जो लोग भी परेशान थे कि भाई मेरा ईमो काम नहीं कर रहा है, उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा आप डायरेक्ट एक सेटिंग करके बात कर सकते हैं। मैंने आवाज़ इसका साउंड कम कर दिया, नहीं तो ये बाहर आवाज़ आ रहा है तो मसला हो रहा है, तो ये इसकी वजह से मैंने इसे बंद कर दिया है। तो आप लोग आसानी से कोई भी VPN डाउनलोड करके उसे कनेक्ट कर दे, चालू कर दे, और सऊदी में रहने वालों को तो पता ही होगा VPN किसे कहते हैं। तो जो लोग भी VPN का इस्तेमाल नहीं करते वो कॉलिंग के लिए, व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए, इस ईमो कॉलिंग के लिए कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसका जो मामला है वो जल्दी फिक्स हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए, हालांकि ये चालू है। व्हाट्सएप कॉलिंग बैन है, लेकिन व्हाट्सएप पर भी कभी कभी बात हो जा रहा है। तो बिंदास आप कोई भी VPN का इस्तेमाल करके, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये VPN को कनेक्ट करके चालू कर दिया है। आप कोई भी VPN यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और आसानी से बात हो जाएगा। तो यही तरीका है, और अभी कोई तरीका नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ईमो काम कर रहा है, ज़्यादातर लोगों का ईमो काम नहीं कर रहा है। अगर आपका ईमो काम नहीं कर रहा है तो किसी के सिम का मसला है, किसी के वाईफाई का मसला है, तो अभी ये जल्दी फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप बात कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका ईमो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।